चीजदार मक्खन लगा के एकदम पेट भर के खाइयो, ये मत बोलियो मैंने पेट भर के नहीं खाया। प्यारी समझ गई। आराम से खाओ यार, क्या जल्दी है। गजब बेइज्जती है। तो दोस्तों ये है कास्टल बारबेक्यू का एंट्री पॉइंट। यहाँ से जैसे ही आप अंदर एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट मिल जाएगी। सामने अगर आप सीपी में कहीं भी घूम रहे हैं, दिल्ली NCR में बेस्ट बार और रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं तो आप यहाँ पर सीपी में आ सकते हैं। पूरी लोकेशन वगैरह डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, टाइटल में भी आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर किस तरह से आ सकते हैं, क्या खाने पीने की व्यवस्था है, ड्रिंक्स वगैरह में क्या क्या मिलेगा, तो बहुत मजा आएगा। और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना जिससे आपको हमारी वीडियो साइड मिल जाएगी। सबसे बेस्ट कपल्स के लिए जो है ना काफी मस्त होने वाला रेस्टोरेंट, और देखते हैं और चलते हैं और दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है कास्टल बारबेक्यू का एंट्री पॉइंट। यहाँ से जैसे ही आप अंदर एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट मिल जाएगी। सामने ही आपको बार दिख जाएगा और यहाँ पर जो है फूड वगैरह की आइटम जो है रेडी होती है। और यहाँ पर देख सकते हैं केक वगैरह की वैरायटी है, साथ में आप सीटिंग अरेंजमेंट देख सकते हैं। यहाँ पर आप बैठकर खाना पीना एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर बार भी है, यहाँ पर सोया चाप, तंदूरी मशरूम, चटपटा पनीर टिक्का। ये चटपटा पनीर टिक्का, देखो भाई इस तरह से जो है ना सर लेकर आए तो इस तरह से पहले लगा दिया जाता और फिर अभी देखो नीचे आग निकल लिया, गर्म होगा। तो दोस्तों ये जो गोलगप्पे हैं आप देख सकते हैं कितने रसीले हैं, तो हम खिलाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं मेन्यू में, देख सकते हैं बारबेक्यू पूरा हमने सेट कर दिया। ओ वाओ, देखो भाई सारी वैरायटी हम ट्राई करेंगे, इतना सब कुछ आ गया। और अभी नॉन वेज में भी आने वाला है। बहुत अच्छा था यार, अमेजिंग है, बहुत अच्छा था। वहाँ के गोलगप्पे से तो बहुत अच्छा है, बाहर के गोलगप्पे से मतलब सबको यहाँ पे आना चाहिए। रेट देना चाहिए 10 out of 10 ही दूंगी मैं, 10 में से 10। देखो इन्होंने तो 10 में से 10 रेट दिए। अगर आप यहाँ पर आते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट देखो भाई कितनी शानदार तरीके से की गई है, और लाइटिंग वगैरह देखो। अगर आप कपल वगैरह के साथ यहाँ पर आते हैं तो कैसा होगा, मस्त होगा ना, मजा आ जाएगा। फुल मतलब मेरी डेट, पहली डेट है, बहुत अमेजिंग डेट है मेरी। बिल्कुल मतलब एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, क्या झलक नहीं रहा। पानी पानी हो गई। तो देखो भाई अभी टेस्ट करते हैं और फिर बताते हैं कि कैसा लग रहा। ये देखो क्या, ये फ्रूट चाट कैसी लग रही है? फ्रूट चाट अमेजिंग, अमेजिंग है। तो देखो फ्रूट चाट अमेजिंग है। और हमने अभी अभी गोलगप्पे खाए थे तो उसके बाद हमने टिक्की नहीं होती, टिक्की है ये। अच्छा हाँ। टिक्की वाला स्वाद आ रहा, टिक्की ही है ये, टिक्की ही है। तो अभी ये देखिए इस साइड वेज वाली है, इस साइड नॉन वेज वाली। तो भाई खा के दिखाते हैं आपको, ये कबाब वाला है। देखो चम्मच से लगा तो सही अपनी तरफ, चुईयो मत, गरम ना हो, गरमा गरम कबाब। मुंह में तो पानी आ रहा है कबाब को देख के। तेरे मुंह में नहीं आ रहा। तो पानी पानी हो गई लग रहा। तो देखिए भाई टेस्ट करके बताओ, गरम है ज्यादा, कैसा टेस्ट है? मजा आ गया, मतलब नॉर्मल दुकानों से तो बहुत बेटर है। देखो इतना मस्त है, गरम गरम, गरमा गरम, मक्खन पूरा मक्खन मक्खन लग रहा है, मक्खन ही मक्खन है। देखो भाई बिल्कुल आप देख रहे हो ना, बिल्कुल पूरा ऊपर तक लजीजदार मक्खन लगा के एकदम। पेट भर के खाइयो, ये मत बोलियो मैंने पेट भर के नहीं खाया। प्यारी समझ गई। आराम से खाओ यार, क्या जल्दी है, मतलब पेट भर के खाना मैंने थोड़ी किया है।
गजब बेइज्जती है। हाँ क्या कह रहे हो? चला रही हूँ। चलो देखो कांचिया में सर्व कर रही हो। सही से सही से। चलो अब हम बताएंगे कि कैसा लगने वाला है। इनकी बारी है टेस्ट करने की और इनने सीधे कबाब उठाया है। भाई सीधा कांची ने हमें ना कबाब सर्व करके दिया है, अभी खाते हैं। सायान को कौन से? वाह 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 वाह। भाई तीनों चम्मच का इस्तेमाल करेंगे। भाई दिल से बोलूँगा, दिल से कसम से, इतना टेस्टी लजीजदार कबाब आपने कहीं नहीं खाया होगा। अगर आप दिल्ली NCR में हो ना और कपल वगैरह की प्लेस भी ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर आकर कबाब जरूर ट्राई करना। इतना बेस्ट कबाब है, बिल्कुल मक्खन लग रहा है अंदर से, ऐसा लगा है जैसे मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट है बिल्कुल। ये नहीं खाया तो क्या खाया, ये नहीं खाया तो क्या खाया। तो हमारी मॉकटेल जो है आ चुकी है। देखो भाई नींबू पानी सब मिला के आया, अभी टेस्ट करेंगे और बताएंगे, ड्रिंक करेंगे इसको सीधा। तो दोस्तों ये यहाँ का सी फूड तो खाते हैं और बताते हैं। ये देखो इसकी पूंछ भी दिख रही है, मतलब इसे कहते हैं झींगे। झींगे हाँ, जो गोल वाले आते हैं। भाई काफी टेस्टी है, अमेजिंग। देख रहे हो गाइस राक्षस को, देखो ध्यान से। भाई काफी मजा आ रहा है यहाँ पर, तो मुझे भी खा जाए। तो दोस्तों अभी कांची खाएगी, सी फूड है ना, कैसा लगा? मस्त, मजा आ गया। देखो भाई इस तरह से सी फूड। तो दोस्तों अभी आई है हमारे लिए मॉकटेल, एक ये है और एक ये वाला। वो मेरी है, डोंट टच। हाँ ये मना थोड़ी गया। हाँ, तो अभी पी के टेस्ट बताएंगे कैसा। भाई काफ़ी मज़ेदार थी। आप अगर आते हैं तो काफ़ी सारी वैरायटी की मॉकटेल्स मिल जाएगी आपको यहाँ पर, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। कपल वगैरह के साथ तो भाई मज़ा आ जाएगा। स्टार्ट। तो सर्व कर रहे हैं, ढंग से करो। हाँ ढंग से करो। हाँ अच्छे से एकदम। अब हम अपने को भी अपना भी करो। इतनी देर से मेरे से करवा रहे थे सर। देखो भाई पनीर कितना देखो कितना लजीजदार है। प्याज और पनीर खुद ने लिया है और मुझे शिमला मिर्च और वो दिया है। भाई हेल्दी है। हाँ। मैं ले लूंगा, कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है। और इन्हें पता है मैं शिमला मिर्च नहीं खाती हूँ, फिर भी चलिए जल्दी करो। बारबेक्यू टाइप बनाया हुआ आपने देख लिया होगा, इसके अंदर हमें कबाब वगैरह ही मिला, तो इसमें भी हम खाने वाले हैं। ये देखो कितना बड़ा पनीर, टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं क्या था। भाई काफी लजीज है, काफी लजीज, मजा आ गया। ये अंदर से भाई काफी टेस्टी है। अब हम खाने वाले हैं बारबेक्यू, ये है पनीर का टिक्का जो भी कहते हैं, पनीर टिक्का। हाँ पनीर टिक्का। और ये हमारे सर जी ने सर्व करा है मेरे लिए, देखते हैं कैसा है। लेट्स बी ट्राई। कैसा लगा? मजा आ रहा, गर्मा गर्म पनीर टिक्का टेस्ट करते हुए कांची। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, अमेजिंग है, बहुत ज्यादा मजा आ गया। तो ये देखो भाई इस तरह से बारबेक्यू बन जाता है। तो दोस्तों इस तरफ आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल तरीके से हनी चिली पटेटो जो है हमारी तरफ सर्व हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये कॉर्न वाली डिश है, देख सकते हैं इसमें हर वैरायटी जैसे छोटे छोटे करके हर प्याज वगैरह डाला गया और काफ़ी जो है टेस्टी होता है। हमने पहले भी काफ़ी रेस्टोरेंट्स में ट्राई किया है, तो यहाँ पर ट्राई करके बताएंगे, काफ़ी डिलीशियस चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ पर आते हैं ऑल वैरायटी, नॉन वेज की, वेज की सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी। ये क्या स्वीट में? डार्क चॉकलेट ब्राउनी जी। अच्छा, और ये कीवी पास्ता जी। और ये क्या केक हो? केक हो। अच्छा केक वगैरह भी मिल जाता है। अच्छा ये पाई है। ये पाई है। और ये क्या? बनाना ड्राई केक। बनाना ड्राई केक। और ये बेसन का लड्डू। बेसन का लड्डू। अच्छा बालूशाही। और पिस्ता बर्फी। देखिए ऑल वैरायटी मिल जाएगी। ये क्या? ये कस्टर्ड है। कस्टर्ड। और ये फ्रूट कस्टर्ड है ना? अच्छा अच्छा। वाटरमेलन। वाटरमेलन। और तो सर ये कौन सी वैरायटी है?
वेज सिंगापुरी नूडल और सूप। तो देखो यहाँ पे सूप भी दिख गया और ये क्या चीज़ है, छोले, अमृतसरी छोले, देखिए मिक्स वेज ड्राई, ये देखिए मक्की मटर मलाई। अच्छा, और ये वाली स्पेशल दाल मखनी, स्पेशल दाल मखनी, दाल मखनी है सर, ये दाल मखनी है और ये पनीर लबाब दाल। अच्छा, स्टर राइस बैग बिरयानी। अच्छा, ये बिरयानी है, ये प्लेन वाली और ये येलो। अच्छा, ये सारा नॉन वेज में जी सर। अच्छा, मुर्ग दम बिरयानी सर। अच्छा, ये बिरयानी है, ये देखिए ये बिरयानी मिल जाएगी आपको। और ये क्या, ये सर रारा गोश्त, ग्रेवी गोश्त और अपना चिकन मसाला, ये एग मसाला और चिकन फ्राई राइस, और ये सूप की वैरायटी हो गई, हॉट सूप, ये देखिए चिकन सूप, चिकन सूप। अच्छा, चिकन सूप। तो देखिए ऑल वैरायटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, सलाद की वैरायटी भी आपको मिल जाएगी। जब आप ऑर्डर करते हैं ना तो आपको कुछ इस तरह से, ये देख रहे हैं ना सीटिंग अरेंजमेंट है, वहाँ पर आपको मिल जाता है, ये सारी सलाद है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे बाहर में आ रहे हैं तो आपको ऑल वैरायटी की ड्रिंक्स वगैरह भी मिल जाएगी, ये देख सकते हैं आप, सोडा वगैरह भी अवेलेबल है, किंग फिशर है भाई, तो भाई बाहर है एक तरह से, ये देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर वैरायटी मिल जाएगी, देख सकते हैं आप। अगर आप कभी भी यहाँ आते हैं तो ड्रिंक्स वगैरह भी अगर आपको इन्जॉय करनी है तो आप देख सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे रसगुल्ला भी मिल जाएगा, इसके साथ साथ आपको हलवा भी मिल जाएगा। तो भाई कांची टेस्ट करने वाली है, फ्रूट रायता कैसा लगा, मस्त है ना? तो दोस्तों ये देखिए फ्रूट रायता, वाह भाई काफ़ी टेस्टी है, मज़ा आ गया खा के, बहुत टेस्टी है भाई। फ्रूट रायता भी आप ट्राई कर सकते हैं, ये देखो रसगुल्ले। स्वीट्स में यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी, ये देखो हलवा, मज़ा आ गया। तो दोस्तों अभी पेस्ट्री मंगाई थी, स्मॉल पेस्ट्री, देखो चॉकलेट केक की स्टिक भी, चॉकलेट केक वाली, कैसा लग रहा फ्लेवर, टेस्टी है, वन स्टार। दोस्तों अभी ट्राई करते हैं पेस्ट्री, कलरफुल पेस्ट्री, कलरफुल पेस्ट्री है, देखिए इसकी तीन लेयर बनी हुई है, पिंक रेड ग्रीन, काफी टेस्टी पेस्ट्री है। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? और हाँ, हमने यहाँ पर फूड वगैरह भी ट्राई किया, अगर आप यहाँ पर आते हैं ना काफ़ी टेस्टी टेस्टी फूड यहाँ पर मिलता है, काफ़ी लजीजदार कबाब होता है, और हर वैरायटी, मतलब अगर आपको नॉन वेज में चाहिए वो भी वैरायटी है, मेन चीज़ तो ये, और वेज में भी है। और अगर आपको इसके अलावा इसका प्लस पॉइंट ये है, यहाँ पर आपको ड्रिंक्स वगैरह भी मिल जाएगी, अगर आपको ड्रिंक्स वगैरह भी इन्जॉय करनी है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, यहाँ पर बार भी अवेलेबल है। तो भैया ये जो ये क्या चीज़ है, ये सर ठंडे रहते हैं ना, इसमें आइसक्रीम करते हैं। अच्छा, आइसक्रीम है, ओके, फ्लेवर है इसका। अच्छा, कोल्ड आइसक्रीम रोल बनता है। अच्छा, आइसक्रीम रोल बनाया जाता है, बनाना पड़ता है लैब। अच्छा, खुद से बनाना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको आइसक्रीम वैरायटी भी मिल जाती है, साथ के साथ अगर आप यहाँ पर ईस्ट साइड भी एक एरिया बना हुआ है, देखो बारबेक्यू टाइम लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं ना, इसको हटा देते हैं, इसको हटाने के बाद यहाँ पर जो है आपके लिए बारबेक्यू सेट कर दिया जाता है। और सीटिंग अरेंजमेंट देखो इस तरह से, आप फैमिली मेम्बर्स के साथ, अगर आप कपल वगैरह के साथ आना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इन्जॉय कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों अभी ना आ गए हैं बाहर कास्टल से, और रेस्टोरेंट कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा था, बहुत अमेजिंग था, काफी मजा आया, मतलब सबसे अच्छा मुझे खाना नॉनवेज लगा था। नॉनवेज और फास्ट फूड से ज्यादा अमेजिंग था, जब मैं बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाती हूँ तो मैंने यहाँ पर भी फास्ट फूड ऑर्डर करा, वहाँ के जूस भी बहुत अच्छे, होटल वगैरह बहुत बढ़िया था, और अगर आप दिल्ली में हो और आपने ये ट्राई नहीं किया तो क्या ट्राई किया, तो और कपल्स वगैरह के लिए काफी बढ़िया था ना, बहुत अमेजिंग है, हम दोनों फर्स्ट टाइम आए यहाँ पर, तो हमारे बेस्ट था, बता हमारी फर्स्ट डेट थी ये, अमेजिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।